हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बीस्ट मूवी के मेकर्स को कि यार प्लीज अपनी मूवी की जो रिलीज डेट है उसको एक हफ्ता या तो आगे कर ले या तो एक हफ्ता पीछे कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि केजीएफ चैप्टर 2 के साथ कोई भी मूवी क्लैश करे। मुझे बिल्कुल भी केजीएफ चैप्टर 2 का डर नहीं है, मुझे ये डर है कि उसके सामने जो भी पिक्चर आएगी वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। हालांकि बीस्ट एक ऐसी मूवी है जो केजीएफ चैप्टर 2 को टक्कर दे सकती है, क्योंकि उसमें थलापति विजय है और थलापति विजय एक ऐसे एक्टर है सिर्फ एक ही स्टेट में अगर इनकी मूवी रिलीज हो जाए ना तमिलनाडु में, तो वो इतना कलेक्शन करती कि उनको किसी दूसरे टेरिटरी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार दोनों ही मेरे फेवरेट एक्टर है, चाहे वो थलापति विजय हो या हमारे रॉकिंग स्टार अशोक, दोनों की मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। दोनों की मूवी में पैसे भी बहुत लगे और ऑडियंस का प्यार भर भर के इन दोनों मूवीज़ को मिलेगा, तो ऑडियंस डिवाइड ना हो इसलिए एक हफ्ता यार बीस मूवी को आगे कर लो, क्योंकि केजीएफ तो 14 अप्रैल को आएगी और हम लोग नहीं चाहते कि केजीएफ की रिलीज डेट वहाँ से भी ज़रा भी हटे। तो उससे ऑडियंस को भी मजा आएगा और दोनों मूवीज़ को नुकसान भी नहीं होगा। तो आप लोग के ऊपर है भाई कि आप लोग करते क्या इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। जितने भी थलापति विजय के फैन है वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने एक्साइटेड हो बीस्ट मूवी के लिए, और हमारे केजीएफ चैप्टर 2 के लवर्स यानी कि हमारे रॉकिंग स्टार यश के लवर, प्रशांत नील सर के लवर, या केजीएफ मूवी के लवर, या हमारे संजू बाबा अधीरा के लवर्स भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोग केजीएफ चैप्टर 2 के लिए कितना एक्साइटेड हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।